हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 इसका पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर एक है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने इसके पहले तो सिद्ध कर लिया था इन जनरल कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो तो उसको हमने सिद्ध कर लिया था कि वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे अंडर रूट के अंदर 2 हो, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कुछ भी हो। तो जो प्रूव करने का मेथड है, जो एग्जांपल में हम लोग ने देखा था, सेम टू सेम पूरा का पूरा स्टेप वही होगा। आपको दे दिया जाए अंडर रूट 5 दे दिया जाए, अंडर रूट 7 दे दिया जाए, अंडर रूट 11 दे दिया जाए, अंडर रूट 13, यानी कोई भी अभाज्य संख्या अंडर रूट के अंदर दे दी जाए और जो उनको प्रूव करना हो कि ये अपरिमेय संख्या है, तो आपका तरीका मेथड एक ही होगा। तो एक बार हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक एक स्टेप को समझ लेते हैं। एक एक स्टेप को समझ लेने के बाद फिर एकदम ये इजी हो जाएगा, क्योंकि वही हर क्वेश्चन में रिपीट होगा। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन, विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति, इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो सिद्ध करना रहता है उसका विपरीत मान के चलते हैं, उसका विपरीत मान के चलते हैं, उसके बाद सिंपल मैथमेटिकल लॉजिक लगा के ऐसे स्टेप पे पहुंच जाते हैं, ऐसे निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि जो मैथमेटिक्स के हिसाब से एकदम गलत होता है। तो हम क्या कहते हैं कि वो वहां पे क्या हो जाता है, मैथमेटिक्स फेल होने लगता है। तो हम लोग कह देते हैं कि ये नहीं हो सकता, और ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि हम लोग जो लेके चले थे वही गलत है। तो जो लेके चले थे वही गलत है, तो सही क्या होगा, उसका विपरीत। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। पहला स्टेप क्या होगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग क्या करेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहला स्टेप क्या, जो हमको सिद्ध करना था उसका विपरीत हमने मान लिया कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो हमने क्या कह दिया कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या हम लोग जानते हैं क्या होती है, जो परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप की होती है, पी बाई क्यू के रूप की होती है, जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। परिमेय संख्या जो होती है वो पी बाई क्यू के रूप की होती है, जहां पी और क्यू क्या होते हैं, पूर्णांक, और क्यू जीरो नहीं हो सकता। ये क्या होता है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन। पूर्णांक क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, आप ऐसे ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ये सब, और इधर -1, -2, -3, -4, -10 लाख, -50 लाख, इन संख्याओं को क्या बोला जाता है, पूर्णांक संख्याएं।
जीरो वन टू थ्री फोर आगे बढ़ते चले जाइए और इधर माइनस वन माइनस टू इनको पूर्णांक संख्या है। तो कोई भी संख्या का पूर्णांक बटा पूर्णांक और ये नीचे वाला पूर्णांक जीरो नहीं हो सकता तो उसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। अगर कोई संख्या p बाई क्यू के रूप की हो तो उसको परिमेय संख्या बोला जाता है, जहां p और q क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या हो सकते हैं। जीरो वन टू थ्री q जीरो नहीं हो सकता। माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस दस माइनस दस हजार माइनस बीस हजार। तो रूट फाइव अगर हमने माना कि अगर एक परिमेय संख्या है तो रूट फाइव अगर परिमेय संख्या है तो रूट फाइव क्या होगा, p by q के रूप का होगा कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, रूट फाइव इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर परिमेय है तो p by q के रूप में तो लिखा ही जाएगा, जहां p और q क्या है, p और q पूर्णांक है और q जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो अगर q हो जाएगा तो जीरो से किसी भी संख्या में भाग देना परिभाषित नहीं है, तो p और q पूर्णांक है। अब रूट फाइव जो आपका है ये p by q के रूप का है, तो p by q के रूप का है तो जैसे इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे मान ले 12 बटा 15, तो आप क्या करेंगे 12 बटा 15 को 3 से कट रहा, 3 चौ 12 3 5 15, तो ये क्या हो गया 4 बटा 5। तो ये 12 बटा 15 जो होता है वही तो 4 बटा 5 होता है, दोनों में अंतर थोड़ी है। तो ये जो p by q है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड जो हो गए उनसे कैंसिल कर देंगे, यानी पी वाई क्यू को उस रूप में कैंसिल करते चले जाएंगे जो कॉमन गुणनखंड होगा, कि फिर P और Q में जो है एक के अलावा और कोई जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड P तथा Q के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को उभयनिष्ठ गुणनखंडों से भाग देने पर हमें A और B इस प्रकार मिलते हैं, इस प्रकार मिल गए कि अब इसमें ए और बी जो मिले हैं उसमें क्या है, एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों संख्याएं कट जाएं। तो इस प्रकार मिलते हैं कि ए तथा बी में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, इसका मतलब a तथा b क्या है, को प्राइम है, ऐसे भी बोल सकते हैं a तथा b सहअभाज्य है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब दो संख्याओं में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो उनको क्या बोला जाता है, सहअभाज्य है। तो रूट फाइव बराबर क्या हो गया आपका, a बाई बी, a और b क्या है पूर्णांक है और b जीरो नहीं हो सकता, रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, b इंटू रूट फाइव इक्वल टू ए बाई बी इंटू बी, जब करेंगे तो b भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड b से मल्टीप्लाई कर दीजिए, b भी खत्म, इधर a हो गया। उसके बाद क्या करिए अगले स्टेप में, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी b रूट फाइव का होल स्क्वायर बराबर ए का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया, बी रूट फाइव इंटू बी रूट फाइव, बी स्क्वायर इंटू फाइव बराबर ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, फाइव इंटू बी स्क्वायर। इसको थोड़ा और अच्छा से लिख लेते, ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव इंटू बी स्क्वायर। ए बी पूर्णांक है, आप देखिए जो ए स्क्वायर है वो क्या है, ए स्क्वायर तो फाइव इंटू बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, फाइव इंटू
बी स्क्वायर के इक्वल है, यानी ए स्क्वायर हमेशा क्या है, पांच गुणे कोई पूर्ण संख्या, क्योंकि ये बी स्क्वायर तो पूर्णांक ही होगा, तो ए स्क्वायर हमेशा क्या है, पांच का गुणज है। तो कोई संख्या जब किसी संख्या का हमेशा गुणज रहती है, तो उस संख्या से अगर ए इसको अगर पांच से आप कभी भी, जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर है, अब अगर फाइव बी स्क्वायर को आप पांच से डिवाइड करोगे कभी भी, तो ये पांच पांच खत्म होकर हमेशा क्या आएगा, बी स्क्वायर, और बी के किसी भी वैल्यू के लिए ये हमेशा पांच से डिवाइड होगा। तो यानी ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर क्या हो गया, पांच से भाज्य है। यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पांच से भाज्य है, और पांच एक अभाज्य संख्या है। तो हम लोगों ने प्रमेय 1.3 में पढ़ा था कि अगर कोई भी संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से भाज्य होता है, तो वो संख्या भी क्या होती है, उससे भाज्य होती है। तो ए भी पांच से भाज्य होगा, यानी ए भी पांच से भाज्य होगा। क्लियर, यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो ए अगर पांच से भाज्य होगा, तो ए क्या होगा, हमेशा पांच का गुणज होगा। तो ए इक्वल टू हम लोग क्या लिख लेते हैं, फाइव सी, यहां सी क्या है, पूर्णांक है। ए हमेशा आप कहते हो पांच से भाज्य है, यानी पांच का हमेशा गुणज होगा, तो फाइव इंटू कोई संख्या होगा हमेशा, तो ए इक्वल टू फाइव सी। अब हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल टू फाइव सी यहां पे रखते हैं, ये ए स्क्वायर इक्वल टू फाइव बी स्क्वायर है, इसमें क्या करते हैं, ए इक्वल टू फाइव सी रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव सी का होल स्क्वायर बराबर फाइव बी स्क्वायर, ये पचपन पच्चीस सी स्क्वायर बराबर पांच बी स्क्वायर, पांच पांच कैंसिल कर दीजिए, पचपन पच्चीस फाइव सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। फाइव सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर यहाँ पे आया, फिर वही स्टेप कि बी स्क्वायर क्या होगा, हमेशा फाइव इंटू सी स्क्वायर, तो हमेशा जब फाइव इंटू सी स्क्वायर को पांच से डिवाइड करोगे, तो पांच पांच खत्म होकर हमेशा सी स्क्वायर देगा, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, यानी बी स्क्वायर जो है पांच से भाज्य है, क्योंकि बी स्क्वायर अपने आप में कुछ नहीं है, फाइव इंटू सी स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि बी स्क्वायर पांच से भाज्य है। हम लोगों को पता है कि किसी संख्या का वर्ग अगर किसी अभाज्य संख्या से भाज्य है, तो प्रमेय 1.3 से हम लोग क्या कहते हैं कि वो संख्या भी पांच, उस संख्या भी उस अभाज्य संख्या से भाज्य होगी, तो बी भी पांच से भाज्य होगी। अब हम लोग देखें, ए भी पांच से भाज्य है और बी भी पांच से भाज्य है। हम लोगों ने यहां तक पहुंच गए इस कंक्लूजन पे कि ए भी पांच से भाज्य है और बी भी पांच से भाज्य है। अरे ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे तो पता है कि ए और बी में ए के अलावा कोई वैलेंस गुणनखंड नहीं है, यानी ए और बी सहभाज्य हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पहुंच गए कि बी और ए दोनों को पांच डिवाइड कर रहा है, तो यानी उनका उभयनिष्ठ गुणनखंड पांच आ गया, ये निष्कर्ष आ गया हम लोगों का। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, एक लाइन लिखेंगे कि ए तथा बी, ए तथा बी दोनों पांच से, ए तथा बी दोनों पांच से भाज्य हैं, ये है इस तथ्य के विपरीत है कि ए तथा बी में एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यह इस तथ्य के विपरीत है कि ए तथा बी में एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं। तो जो हम लोग का है उसका क्या आ गया, एकदम विपरीत रिजल्ट आ गया।
तो रिजल्ट क्यों आया? क्योंकि आप जहां से शुरुआत किए थे वही स्टेप ही गलत था, तभी एकदम विपरीत रिजल्ट आ गया। तो ए तथा बी में ए के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है गलत है। तो अगर ये गलत है कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या है, तो अगर संख्या परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी? अपरिमेय होगी, क्योंकि कोई भी नंबर दिया हो तो परिमेय होता है या अपरिमेय, कोई भी रियल नंबर इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो अगर ये परिमेय संख्या वो नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? वो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या गलत, अतः हमारा मानना कि रूट फाइव एक परिमेय संख्या गलत है, रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या होगी। ये जो स्टेप है, कोई भी क्वेश्चन हो आपको सब में यही करना है, बार बार यही करना है। एग्जाम्पल में भी हमने कराया था, बार बार कोई भी दिया हो, रूट फाइव की जगह रूट सेवन हो, रूट इलेवन हो, तो सब कुछ यही सेम स्टेप होता है। तो एक एक स्टेप को एक बार अगर समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, सिद्ध कीजिए 3 + 2 √5 का दूसरा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे? वही करेंगे, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। तो क्या करेंगे? जो सिद्ध करना है उसका विपरीत मानेंगे। तो हम लोग कैसा से स्टार्ट करेंगे? माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? पी बाई क्यू के रूप की होती है। परिमेय संख्या जो होती है आपका कैसे होती है? पी बाई क्यू के रूप की होती है, और पी और क्यू क्या रहते हैं? पूर्णांक रहते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाइए, इधर -1, -2, -3, -10 लाख ऐसे बढ़ते चले जाइए, और क्यू 0 नहीं हो सकता। तो अगर 3 + √5 एक परिमेय संख्या है तो ये पी बाई क्यू के रूप की होगी। इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू, जहां पी और क्यू क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो अगला स्टेप क्या होगा? 3 + 2 √5 इक्वल टू, सीधा सीधा हम लोग क्या लिखते हैं? ए बाई बी। पी बाई क्यू पी बाई क्यू ना लिख के ए बाई बी लिखते हैं, जहां ए और बी क्या है? पूर्णांक है। बात वही है, और इस हिसाब से कर लिया हमने पी वाई क्यू था पहले कि ए और बी के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उनको कैंसिल कर दिया है। कैंसिल करने के बाद ए और बी मिले हैं, ए भी पूर्णांक है और ए तथा बी में, ए तथा बी में एक के अलावा, ए तथा बी में एक के अलावा और कोई
और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो अगर दो संख्याएं ऐसी होती हैं कि दोनों को एक के अलावा और कोई संख्या डिवाइड ना कर पाए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लीजिए 15 और 8। अब देखिए ये 15 और 8 कोई भी संख्या आपको मिलना नहीं मिलेगा कि जो 15 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड करे। 15 अपने आप में क्या है, भाज्य है और 8 भी भाज्य है, लेकिन 15 और 8 को साथ में क्या कहेंगे, सहभाज्य, क्योंकि 15 और 8 एक के अलावा किसी संख्या से नहीं कटती। तो ऐसी दो संख्याओं की उनको कहा जाता है सहभाज्य, जब वो एक के अलावा और किसी से ना कटे। तो यानी ए तथा बी क्या है, सहभाज्य है, मतलब इसका ये हुआ कि ए तथा बी सहभाज्य है। तो आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि ए तथा बी सहभाज्य है, तो उसका सेंस उसी में आ गया कि ए और बी में, या आप इसको लिख लीजिए वो भी बात, दोनों एक ही है। फिर 3 + 2√5 = a/b। अब क्या करते हैं, इसका थोड़ा सा साइड बदलते हैं, 3 + 2√5 = a/b। अब देखिए हम लोग जो साइड बदलते हैं वो किस हिसाब से, हम लोग जो अंदर रूट के अंदर संख्या होती है उसको एक पक्ष में अकेले रखना चाहते हैं, इस हिसाब से हमको साइड चेंज करना है। मतलब साइड चेंज करना है तो कैसे पता चलेगा किसको किधर करना है, तो हमको क्या करना है, इसको अकेले करना है। तो इसको अकेले करने के लिए पहले 3 इधर जाएगा, उसके बाद 2 इधर जाएगा। तो अगले स्टेप में देखिए 3 इधर जाएगा, प्लस में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये 2 √5 = a/b − 3। फिर 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, यानी √5 = 2 से डिवाइड करेंगे तो ये a/2 भी हो जाएगा −3/2। यानी √5 आपका क्या आ गया, जो हमने अंडर रूट के अंदर था उसको एकदम से अलग कर लिया। कोई भी आपको इधर उधर करके दिया हो आप उस हिसाब से पक्षा अंतर करेंगे कि रूट के अंदर की संख्या एक तरफ हो जाए बाकी सारे एक तरफ। तो ये हो गया a/2b − 3/2। ए और बी क्या है, हमको पता है कि पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, बी भी पूर्णांक है, बी में 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी पूर्णांक होगा। तो a/2b ये p/q के रूप की है कि नहीं, पूर्णांक बटा पूर्णांक है। ये कैसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और 3/2 भी p/q के रूप की है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या। और आपको पता है कि परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़िए या परिमेय संख्या घटाइए तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या ही होती है। तो अगर आप ये कोई भी परिमेय संख्या है a/2b और 3/2 उसको घटाएंगे तो जो आएगा ये ओवरऑल ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या ही तो आएगा, क्योंकि हमको पता है कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या अगर करते हैं तो ये क्या होता है, हमेशा परिमेय संख्या ही आता है। यानी परिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ो घटाओ ये हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा, ये हम लोगों को पता है। तो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, तो यानी ये पूरा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। तो यहां से क्या हो गया यहां से हम लोगों का ये आ गया कि √5 a परिमेय संख्या है। यहां से हम लोग किस लॉजिक पे पहुंच गए कि √5 a परिमेय संख्या है, जबकि हम लोगों को ये पता है कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या पता है कि अंडर रूट p जो होता है, p की वैल्यू कोई भी हो, ये हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अंडर रूट पी, जहां पी क्या है, अभाज्य संख्या है, जहां पी अभाज्य संख्या है।
यानी अंडर रूट के अंदर आपका कोई भी अभाज्य संख्या 2 लिख दिया जाए, 3 लिख दिया जाए, 7 लिख दिया जाए, 11 लिख दिया जाए, अंडर रूट 13 लिख दिया जाए, अंडर रूट 19 लिख दिया जाए, अंडर रूट 23, अंडर रूट 29, अंडर रूट 31, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये सारी की सारी क्या होंगी? अपरिमेय, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो। और हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। और ये गलत निष्कर्ष क्यों निकला? क्योंकि हम लोग जो मान के चले हैं यही गलत होगा। तो ये इस तथ्य का क्या विरोधाभास है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इस तथ्य का विरोधाभास ये क्यों निकला? क्योंकि हम लोगों का जो मानना है वही गलत है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि क्या माने हम लोग कि 3 + √2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना कि 3 + √2 √5 एक परिमेय संख्या है। गलत है। ये आपने जो माना है वो क्या है? गलत है। तो अगर वो गलत है तो सही क्या है? अगर परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? 3 + √5 √2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया रहे कुछ जोड़ के 3 + √5 या 5 - √3 या इस टाइप का, तो आप क्या करेंगे? उसको मान लेंगे कि वो परिमेय संख्या है। पहला स्टेप क्या होगा जो दिया रहेगा? आप परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसका विपरीत मानेंगे कि 3 + √2 5 है, 2 √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? p/q के रूप की होती है। p और q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं और q 0 नहीं हो सकता। तो 3 + √2 √5 क्या होगा? a/b के रूप का होगा। फिर आप क्या करेंगे अगले स्टेप में? अंडर रूट को एक साइड में करेंगे। इस हिसाब से आप सब चीजों को पक्षांतर करेंगे कि अंडर रूट वाली चीजें एक साइड पड़ जाए, अंडर रूट वाली चीज। तो यहां से आप क्या करेंगे? 3 का भी साइड बदलेंगे और फिर क्या करेंगे? 2 का। तो पहले 3 का साइड बदलेंगे तो 3 इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। उसके बाद 2 को भी हटाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा a/2 भी -3/2। फिर अगला स्टेप क्या है? ये परिमेय संख्या होगी क्योंकि a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है। पूर्णांक को पूर्णांक से मल्टीप्लाई करोगे, पूर्णांक रहेगा तो हमेशा ये पूर्णांक। तो ये पूर्णांक बटा पूर्णांक यानी परिमेय संख्या, और ये तो परिमेय संख्या 3/2 है ही पूर्णांक बटा पूर्णांक। तो परिमेय से परिमेय संख्या घटाते हैं तो या जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा? परिमेय संख्या ही आता है। तो हमको पता चल गया कि यानी √5 क्या है? √5 को हमको नहीं पता है, √5 तो यही तो है। तो इसका मतलब अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। तो हम लोगों ने यहां से क्या निकाला कि √5 एक परिमेय संख्या है, यहां से निकला। लेकिन ये इस तथ्य का विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो तथ्य है ना, ये तो हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या हो वो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इतना गलत निष्कर्ष क्यों निकला कि √5 एक परिमेय संख्या है? एक गलत निष्कर्ष इसलिए निकला क्योंकि हम लोग जो मान के चले थे वही गलत है। मान के चले थे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये गलत है तो सही क्या होगा? अगर परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसमें जो प्रूफ होता है ये सबका सिमिलर होता है, एकदम एक जैसा होता है। आप एक क्वेश्चन अगर समझ गए अच्छे से, बस सारे में वही स्टेप। तो अगर आप क्वेश्चन दर क्वेश्चन अगर करेंगे तो वो नहीं जमेगा। आप एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंड कर लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी पे लग जाएंगे। नहीं तो ऐसे आप रटते रहेंगे तो क्वेश्चन चेंज करने के लिए तो कुछ भी दिया जा सकता है। अंडर रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या दे दिया जाए, उसमें कुछ जोड़ दिया जाए, कुछ घटा दिया जाए, तो आप दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसको समझते हैं तो आज यहीं तक रखते हैं, इसके बाद फिर आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।